प्रदेश में आज मतदान हो रहा है लगातार, इसी को लेकर पहले अब तक की अपडेट आपको दे देते हैं। कई जगहों पर हिंसा की जानकारी मिली है मध्य प्रदेश में। इंदौर में मतदान के दौरान जमकर मारपीट हुई है। मुरैना की 2 सीटों पर वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है। मुरैना के जौरा और दिमनी सीट पर हिंसक झड़प हुई है। छिंदवाड़ा में भी मतदान के दौरान झड़प हुई। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पथराव में घायल हुआ और जौरा में हिंसक झड़प के चलते मतदान रोक दिया गया। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बीच सड़क पर ही बवाल काटा है। मतदान के दिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आज मतदान के दिन होना, ये शर्मनाक है। तो आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक कितना मतदान हुआ है ये भी जान लीजिए। 60.52% मतदान हुआ है 3 बजे तक। रफ्तार बढ़ी है मतदान की एमपी में। ग्वालियर में 51% मतदान, बुधनी में 67%, खरगोन में 63% मतदान हुआ है लगभग, नीमच में 69.69%, भोपाल में 45.34%, छतरपुर में 57.63% मतदान, नरसिंहपुर में 63.98% मतदान, उज्जैन में 61.11%, इंदौर में 54, भिंड में 52, डिंडोरी में 68, गुना में 63, जबलपुर में 58, खंडवा में भी 58। तो मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक कितना मतदान हुआ ये लगातार हमने आपको बताया और ये सिलसिला अभी चल रहा है, यानी लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। इसमें महिलाओं का भी जोश हमने देखा, बड़ी संख्या में महिलाएं थी जो घरों से बाहर निकली हैं। तो ग्वालियर में 51% मतदान हुआ है, नीमच में 69%, भोपाल में 45, छतरपुर में 57। आप देखिए ये तमाम बड़ी सीटें हैं जहां पर, उज्जैन आप देखिए, इंदौर पर तो इंदौर में इतनी हिंसा हुई है, भिंड, डिंडोरी, गुना, यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना है 3 बजे तक का ये इस वक्त आप देख रहे हैं। रायसेन में 64% मतदान हो चुका है, अभी प्रतिशत अच्छा है। 5 बजे तक कितना मतदान होगा, लेकिन हम लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं अपने दर्शकों से भी, आज आपका दिन है तो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए घर से जरूर निकलिए। इन उम्मीदवारों को मिला है मौका एक बार फिर से इस चुनाव को जीतने और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने का।